अब देखेंगे कितने बजे तक पहुंचते हैं। थक गए क्या ओम? नहीं थका। हाउ इज जॉर्ज? हाय बॉस। लद्दाख ले लद्दाख की राइड तो वो हम करके दम लेंगे, भले ही ठीक होना हो लेकिन हम पहुंचेंगे पहुंचेंगे ये साल 100%। ये देखिए बॉस और फुल ट्रैफिक जाम है, फिनिशिंग हो गई है, पूरा क्लीनअप, पूरा पॉलिश वॉलिश सब टोटली पूरा चमका गई है एंड छोटे मोटे काम तो वो भी हो चुके हैं इसके। अभी निकलेंगे बस छत्तीसगढ़ के लिए, अभी कार खड़ी कवर करके, धूप ही बहुत है ना, बस एयर साइड ने बहुत सपोर्ट किया, अभी मजा आने वाला है अभी राइड पे, बस मौसम सनी सनी ना हो। वैसे मैं रात में राइड करेंगे क्योंकि 4 बजे निकलेंगे। चलो चलो बस ऐसे निकल रहे हैं नागपुर के लिए। चलो तो यहाँ से अभी छत्तीसगढ़ की राइड शुरू हो रही है हमारी, मतलब पंजाब राव देशमुख की। ये देखिए तो यहाँ से स्टेट निकलेगा नागपुर हाईवे, नागपुर तक रोड बहुत बढ़िया है और यहाँ से बहुत हम जाएंगे छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कुछ दिन स्टे करेंगे, फिर उसके बाद में और आगे जाएंगे, और आगे जाके मीन्स उसके आगे देखेंगे पूरा मैप पे किधर स्टे करना है। मनाली से जाएंगे, वहाँ मनाली जाएंगे हम। लद्दाख अमरावती का वेलकम पॉइंट है, पावर हाउस भी बोलते हैं इसे। यहाँ से मैक्सिमम पुणे के लिए बसेस निकलती है, वैसे और भी बहुत जगह जाती है, शिरडी जाती है, मुंबई भी जाती है, बहुत सी बसें, लेकिन मैक्सिमम बसेस ना यहाँ से पुणे के लिए निकलती है शाम में। देख सकते हो पूरे यहाँ पे ये वेलकम पॉइंट और यहाँ से स्टेट हमारा नागपुर। हवा वाला मिला नहीं एक्चुअली, अब आगे देखेंगे कोई हवा वाला मिलता है फिर पेट्रोल। और एक आगे में है बिजी लैंड, ये पूरा कपड़ा मार्केट है यहाँ पे, सिटी लैंड पूरा कपड़ा मार्केट है अभी गाइस। पीछे में हवा सही है, चलेंगे ठीक है भैया बोल रहे हवा सही है तो थैंक यू। हवा सही बोलते, हवा कम नहीं है और शायद लग रहा होगा, बस मैंने बैग बनाना अभी उसका राउंडेड किया है तो कभी कभी सामान इधर उधर जाता है ना तो कभी कभी लगता है अपने को थोड़ी हवा कम लग रही है, थोड़ा बैलेंस डिसबैलेंस होता है इसलिए। तो ये सबसे पुराना मार्केट, मतलब पहला मार्केट था जो अमरावती में जब कपड़ा मार्केट आया था यहाँ पे, बस कॉफी ब्रेक के लिए रुके थे यहाँ पे तो हो गया। ऐसे टोल नाका है नानगो पेड़ अमरावती का, उससे पहले अच्छी कॉफी थी, बस निकलते पेट्रोल के बाजू में जहाँ मैं बहुत बार आता था हमारा पंजाबी ढाबा। ये देखिए एक नंबर खाना मिलता है, हमेशा फ्रेश मिलता है, अजीत पंजाबी, तो बहुत अच्छा ढाबा था वो, पुरानी यादें हैशटैग पुरानी यादें। वाह, तो अभी हमारी गाड़ी में फ्यूल का इंडिकेटर आ गया है, मतलब कम हो गया, अब हमें पेट्रोल पंप रुकना ही पड़ेगा। हालांकि मुझे पता है सबसे ज़्यादा पता है क्या, पेट्रोल पंप पे रुकना जान पे आता है पता है, एक तो अपनी गाड़ी में पूरा फुल पेट्रोल दिखेंगे तो नीचे दिखेंगे और नीचे जब दिखेंगे तो अपने पेट्रोल पंप जाना ही है, मतलब हमेशा। ओहो हो तड़नी है यार, इन्होंने 21.15 पैसा लंबा है क्यों, सबके ये एक्सप्रेशन है, सब शॉक्ड हो रहे बस। लद्दाख 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 फुल होगी ना, हो जाएंगे आ जाएंगे नहीं वर नहीं है, डालो डालो फुल करो। 1410 रुपये का पेट्रोल, कश्मीर के भी आगे आता है लद्दाख, मतलब टोटल हमारी राइड हो रही है 6,500 किलोमीटर। ये अभी अभी मतलब पुणे से आए अपन, पुणे से आए अमरावती में घर है ना तो वहाँ पे मतलब स्टे किया वहाँ पे, अभी यहाँ से मतलब छत्तीसगढ़ से फिर लद्दाख। चलो चलो हाँ, लद्दाख का 25 दिन का टूर हमारा, 25 दिन का, सब शॉक्ड हो गए लद्दाख सुन के चलो जाएंगे आराम आराम, ठीक है चलो, सब शॉक्ड हो गए लद्दाख सुन के। अभी शाम के 4 बज रहे गाइस, तो अभी हम निकले क्योंकि रात की ट्रैवलिंग करने में भलाई है बहुत, क्योंकि बहुत धूप है बहुत धूप। अभी भी देख सकते हो 4:30 बज रहे हैं और ज़मीन पता है ऐसी भाप फेंक रही है, पता है इतनी गर्म गर्म, सोच सकते हो बहुत क्या टेम्परेचर रहता हूँ यहाँ पे, तो इसलिए रात के सफ़र बेस्ट है, रात में आराम आराम जाएंगे, रुक रुक के जाएंगे भले। गाइस कल देखा जाए ना तो जो बाइक की अपनी ये बाइक की जो सर्विसिंग किया ना एक्चुअली भाई ने किया, इसलिए वो कुछ शूट नहीं कर पाया, ऑयल चेंज नहीं किया क्योंकि ऑयल चेंज हमने अभी हाल ही में किए थे, कूलेंट ऑयल चेंज है ना और फिल्टर, वो चेंज नहीं किया उसने, क्लीनअप विनअप कराया उसने, पूरा गाड़ी वॉश कराया, पॉलिश कराया एंड छोटा मोटा जो था ग्रीसिंग ऑयलिंग वो सब करा के उसने बाइक लाया, काफ़ी स्मूथ चल रही है, काफ़ी स्मूथ चल रही है। लद्दाख लद्दाख सीरीज का हमारा सेकंड पार्ट है गाइस, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में हमको बताओ, एक्चुअली मुझे बताओ कि कुछ चेंजेस करना चाहिए, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था, आप जाने वाले हो तो आपकी प्लानिंग क्या है, तो राइडिंग का पूरा प्रिपरेशन का भी मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ, लेकिन वो आने के बाद में या फिर बीच में लद्दाख में शूट कर लूँगा गाइस, कर लद्दाख जाने के लिए क्या क्या प्रिपरेशन करना चाहिए, कैसा कैसा होना चाहिए इनफैक्टली, तो गाइस वीडियो को लाइक करना मत भूले। स्पीड ब्रेकर है वो, ओह शिट, आप लोग सोच रहे होंगे एक्चुअली मैंने हैंड ग्लोव क्यों नहीं वेयर किया, हैंड ग्लोव वेयर इसलिए नहीं किया, मैं अभी स्टार्टिंग में जब भी राइड के लिए निकल जाऊँ 100-150 किलोमीटर्स में हैंड ग्लोव वेयर नहीं करता हूँ, बट करना चाहिए यार, जितना सेफ्टी रहे उतना अच्छा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबने करना चाहिए, पर पता है मुझे आदत नहीं एक्चुअली, मुझे कम से कम 100 किलोमीटर चाहिए थोड़ा कंफर्टेबल होने के लिए बाइक के साथ में और रोड के साथ में, तो इसलिए मैं हैंड ग्लोव थोड़ा लेट पहनता हूँ, पहनता जरूर हूँ, लेकिन ये देखिए कैसे तले गाँव है पे, मैं इतने बार गुजरा हूँ ना यहाँ पे, टर्निंग पे कोई ना कोई कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती ही होती है कि ऐसे टर्निंग पे। नहीं देखे 2 लोग तो दिखेंगे इसने, तब 3-4 लोग दिखेंगे, अभी देख ये एक इडियट बाकी था,
रॉन्ग साइड से देखो, सडनली ये क्रॉस पे ही टर्निंग पे जब घाट कंप्लीट होता है ना, तो एक पता है कि बुजुर्ग कपल बैठते थे, मतलब यू नो व्हाट, वो हमेशा बैठते थे, बेचारों को जो दे दो ना वो खुश हो जाते थे उसमें। अभी नहीं है यार, ये बहुत पुरानी बात है बॉस। तो बस अराउंड 120 किलोमीटर हो गया है, यहाँ एक ब्रेक लेंगे, छोटा सा कॉफी ब्रेक। बस बाइक देख सकते हो दूर से, क्या दिख रही है यार, खतरनाक लग रही है। अभी नागपुर क्रॉस हो रहे गाइस हम। भाई साहब इतना ट्रैफिक है ना बॉस, निकलने को टाइम लग जा रहा है नागपुर से, हमें दिख जा रहा है पूरा ट्रैफिक जाम बॉस। हाफ एन आवर हो गया अभी कम से कम, और फैन चालू हो गया हमारा, देख सकते ये है नागपुर, ये देखिए बॉस, और फुल ट्रैफिक जाम है। नहीं ये शादी है, ये शादी है, शादी है, ये शादी बोला था अभी गोवा में बन रहा था इसी सेम, मैंने गोवा के ब्लॉग में बोला भी है कि नागपुर के जैसा सेम बन रहा है। केबल्स देख सकते हो बॉस, क्या सॉलिड है यार, क्या दो घंटा हो गया, दो घंटा बाहर निकलने में, दो घंटा इवन 10 किलोमीटर करने के लिए 2 घंटा लगे हमें बाहर निकल, अभी बाहर निकली नहीं बॉस, अभी भी नागपुर से यहाँ से 2-3 किलोमीटर है ही, अभी बहुत ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। मे बी आपको फुटेज दिख रही हो रात में, तो बैग ना एक्चुअली एक साइड जा रहा था तो सोचा इसको रुका के थोड़ा ठीक करते हैं। इनफैक्ट यहाँ से 300-350 किलोमीटर बाकी है। सुबह उस गोनिया के कुछ किलोमीटर पहले हम एक ढाबे पर रुके, पंजाबी ढाबा, वहाँ पे थोड़ा बहुत कॉफ़ी पी रहे हो एंड कुछ देखें कुछ खाऊंगा यार, वैसे तो अभी कुछ मिल नहीं रहा यहाँ पे, देखता हूँ कुछ पराठे शराठे खाएंगे। एक राइडर के लिए बहुत सबसे जरूरी चीज़ क्या होती है रोड पे देख सकते हो, मतलब कोई भी राइडर हो, मतलब यू नो व्हाट, जो ट्रक ड्राइवर हो या राइड कोई भी चल रहा है ऐसे खटिया, या बस ये सुकून है सही में यार रोड का, मतलब राइड के बीच में या राइड के बाद। तो गाइस अभी रायपुर क्रॉस कर चुके हैं एक्चुअली, बीच में रात के 2 बज रहे हैं, अब देखें कितने बजे पहुँचते हैं। थक गए हो? नहीं थका। हाउ इज द जोश? हाय सर, हाय सर। तो अभी अंजानी रोड पे रुके गाइस, लेकिन बहुत मजा आ रहा है। इनफैक्ट देखा जाए तो हाँ मौसम कह सकते हैं गर्मी है, गर्मी है क्यों, रात को भी बहुत गर्मी है, मतलब भी नहीं लग रही। तो गाइस रात में नागपुर में बहुत ज्यादा ट्रैफिक मिला था, इनफैक्ट देखा जाए तो आते से सो गया एक्चुअली, 4:30 बजे पहुंच गए थे हम यहाँ पे घर पे। बाइक ने अब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दी यहाँ पे, एक्चुअली बहुत सनी सनी मौसम है तो इसलिए हमने गाड़ी कवर करके रखे, बहुत धूप है बहुत। तो नागपुर में बहुत ट्रैफिक मिला था इनफैक्ट देखा जाए तो गाइस, और बीच में ना ऑयल से लीकेज हो रही थी, बीच में ऑयल भी लीक हो रहा था, तो वो भी हम जाके यहाँ के जो भी मैकेनिकल देंगे छत्तीसगढ़ के देखेंगे। रायपुर में इसका जेन्युइन हार्ली डेविडसन का शोरूम है, पर वो क्लोज हो गया, बंद हो गया है मैंने इतना सुना है, अगर वापस सर्विस चालू रहना बॉस तो हार्ली डेविडसन वहाँ लेके जाना पड़ेगा, तो ऑयल लीकेज हो रहा है बॉस इसके नीचे से। तो यार लद्दाख राइड पे बताया गया ऐसे इशू आते ही है, बताया कोई भी राइड पे जाऊंगे ना ऐसे छोटे मोटे इशू आएंगे, लेकिन बड़ा इशू है। तो ये मेरा जाना बॉस, तो इसका सस्पेंशन बूझ भी कट हो गया है, स्पीड ब्रेकर जब हम कुदा रहे हैं ना स्पीड ब्रेकर पे खट के आवाज आ रही है, तो वो भी एक चीज करना जरूरी है। अभी ये यहाँ मिलते कि नहीं मिलते बॉस देखना पड़ेगा, नहीं तो फिर इसे हमें मैच कराना पड़ेगा, तो ये एक चीज बहुत जरूरी होगी बॉस कराना। तो ये दो इशू आ गए बॉस देख सकते हैं, ऑयल सील का, ऑयल लीक तो नहीं होना चाहिए बॉस, क्योंकि अगर ऑयल ऐसे लीक होता ना हमने वार्निंग तक अगर ध्यान नहीं किया बॉस तो इंजन लॉक हो जाएगा, और इंजन अगर लॉक हुआ तो हिलती नहीं भैया, 290-280 केजी की पूरी, मतलब यू नो व्हाट हल्क हो गई है पूरी है देखा जाए तो। तो ये बहुत दो चीज जरूरी हो गई बॉस, तो यहाँ निकलेंगे और ये नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा कि हम किधर क्या जाके किधर के हम मतलब कैसे कैसे इसका रिपेयर करा रहे, काम करा रहे। और यार बॉस कभी भी कोई भी राइड के लिए निकल रहे हो तो ये सब दिमाग में लेके चलना, ये सब इशू आते आते हैं, ये सब इशू होने होने हैं राइड पे, छोटी जाओ बड़ी जाओ छोटे मोटे इशू आने ही आने हैं, तो डरना नहीं कभी फेस करने का। लद्दाख ले लद्दाख की राइड तो वो हम करके दम लेंगे, भले ही ठीक होना हो लेकिन हम पहुँचेंगे ये साल 100%। तो चलिए ना रुके, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, मिलते फिर किसी और ऐसे ब्लॉग में गाइस, ख्याल रखो ठीक है, बहुत मज़ेदार ब्लॉग आने वाला है, चलिए खा रहे।